और फैसलाबाद में ही मैंने अपनी पढ़ाई का वो चाहे हिफ्ज़ की क्लास हो, हिफ्ज़ की क्लास के कायदे से लेकर तखस्सुस फ़िलिफ़्ता की दस्तारबंदी तक मैंने एक ही मिला। आपको ये कितना अरसा आपने एक मदरसे में गुजार दिया? तकरीबन मैं 2008 से मैं जामिया इमदादिया में कदम रखा था और 2023 तक मैं वहीं रहा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि ये अपना आप कश्मीर से लेके आते हैं सब कुछ? नहीं नहीं सर, कश्मीर से नहीं, यहीं बड़ा सेटअप है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप माशाल्लाह हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, मुफ्ती भी हैं, इमामत भी करवा रहे हैं, खुताबत भी कर रहे हैं और मुदर्रिस भी हैं अभी इस टाइम, तो ये इस आपको कारोबार का किसने आइडिया दिया? ये असल में आइडिया की बात नहीं है, ये तो हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे भाई जो हैं वो इसी फील्ड में। अच्छा, इसी फील्ड में है हमारी एशिया होजरी के नाम से, एशिया होजरी के नाम से हमारे भाई शुरू से यही काम कर रहे हैं। अच्छा, और जब से मेरी फरागत हुई है, मेरी फरागत के बाद मैंने पढ़ाना भी साथ साथ और मस्जिद में यानी कि इमामत खिताबत के साथ साथ मैंने खुद अपने से ये फील्ड का तयन किया कि जैसे मेरे भाई कर रहे हैं मैं भी इसी। अच्छा, यानी कि आप 15 साल मदरसे में रहने के बावजूद ही आपका जो जहन था वो कारोबार ही था। अक्सर लोगों का ये दिन होता है ना घर वालों को, पता भाई जड़ा मुंडा या कामदानी है उन्होंने छोड़ दो मदरसे, आपका तो ऐसा नहीं था? नहीं नहीं, कारोबारी तो इसलिए नहीं था, मैंने फारो हो के कारोबार ही करना है, ऐसी बात नहीं है। असल मेरा हदफ और मेरा मकसद दीन की तालीम ही है जी। लेकिन इसको हासिल करने का या इस फील्ड में आने का सिर्फ एक ही मकसद, वो फील्ड में आने का मकसद ये है ना कि हमारे यहाँ इस दौर में मदरसे के मौलवी को सिर्फ यही शुमार किया जाता है कि जैसे कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। जी 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 बिल्कुल। जैसे उसने जनाब दरस निज़ामी कर लिया, तखज्जुस कर लिया, अब सिर्फ वो मस्जिद में मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा ही है, तो यही सोच है। मैंने इसको तोड़ने के लिए या इस सोच को ख़त्म करने के लिए इस फील्ड में कदम रखा। ये जो कारोबार करना है ना, हमने इस चीज़ को मायूब समझ लिया, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठा कर देख लेना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन ही तजारत से शुरू होता है। मौलाना साहब मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आपने रखी हुई हैं या किस कौन कौन सा स्टॉक रखा हुआ है आपने? असल में देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया ना कि हमारे भाई चूँकि इसी फील्ड में हैं शुरू से, और वो क्या कहते हैं होजरी है हमारी अपनी फैक्ट्री है होजरी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है तमाम अंडर गारमेंट्स या जितनी होजरी की जितनी भी होती हैं क्वांटिटी है जो चीज़ है वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एक तो ये थी जो मैंने आपको शुरू में, दूसरी चीज़ हमारी ये थी कि चूँकि हम एक मोहल्ले में बैठ गए हैं तो हम एक चीज़ को ना ले कर आएँ बल्कि जो हमारे मोहल्ले की ज़रूरियात हैं, जिस किस्म की ज़रूरियात हैं, हमारी कोशिश होती है कि जो भी
फर्द या जो भी ग्राहक हमसे कोई चीज किसी चीज की डिमांड करे, हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि फिलफौर उसको पूरा किया जाए, ताकि हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं, हम अहले मोहल्ला की खिदमत के लिए बैठे हैं, ताकि हम वक्त हम उनकी खिदमत कर सकें और खिदमत के लिए हम उनके लिए हर वक्त और हम वक्त तैयार हैं। उस्मान भाई आप खैर मुझे ये बताएं, क्योंकि अब इन्होंने कहा कि जी तकरीबन आधा होल्ड आप इधर संभालते हैं, क्योंकि इन्होंने दूसरी जिम्मेदारी भी पूरी करनी होती है, तो आप हमें ये बताएं कि आपकी चीज़ में ऐसी क्या क्वालिटी है कि जनाब हम आपसे चीज़ लें। हमारी चीज़ में एक तो कबाड़ का धागा नहीं होता, फाइन क्वालिटी होती है, 100% हम कस्टमर को ना देते हैं कि हर चीज़ आप प्योर अपनी तैयार कर, हर धागा अपना और हर तरफ से श्योर है कि हम कोई मसला नहीं इसमें वापस कर देंगे आप। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई है कि हमारे जो हमारी फील्ड के जो लोग हैं वो भी ये सोच रखते हैं और इस लाइन में आ रहे हैं। तो जी दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने मिलाया तैयब भाई से, जो कि ना कि मैंने सर आपको बताया हाफिज़ हैं, ना कि आलिम है बल्कि मुफ्ती भी हैं, और इस वक्त एक इमाम साहब भी हैं, खतीब भी हैं और मुदर्रिस भी हैं। उसके साथ साथ ये आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने इतना बड़ा माशाल्लाह सेटअप लगाया, अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, तो इससे हमें ये चीज़ पॉजिटिव लेनी चाहिए कि यार अपना कारोबार तो लाजमी जूज है हमारा, लेकिन उसके अंदर अगर हम दीन लेकर आएंगे, दीन के साथ कारोबार में आएंगे, तो फिर हमारे कारोबार को चार चांद भी लगेंगे, अल्लाह पाक उसमें बरकत भी अता करेगा और हमारे जो माशरे के में अंदर जो खराबियां हैं ये भी दूर होंगी। तो इसी के साथ आज का हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।